नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीए इंटरमीडिएट मई 2018 का रिज़ल्ट आ चुका है और आज इसी सिलसिले में मैं आपको मिलवाऊंगी सलोनी मित्तल से, जो जोधपुर से हैं और अपनी मेहनत और लगन से ऑल इंडिया में 10th रैंक हासिल इन्होंने की है। आइए जानते हैं उनकी सफलता के राज। सलोनी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है सलोनी? बहुत अच्छा लग रहा है एंड प्राउड फील होता है जब रिज़ल्ट आता है। पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, फैमिली मेम्बर्स वगैरह, टीचर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की, गाइड किया। अच्छा सलोनी, एक्सपेक्ट किया था आपने इतने अच्छे रिज़ल्ट का अपने आप से? हाँ सर, इतना अच्छा प्रिपेयर कर देते हैं कि एक्सपेक्टेशन अपने आप बन जाती है कि हाँ रैंक आ जाएगी। सलोनी, कहाँ से तैयारी की आपने? मैंने VSI जयपुर से तैयारी की। और आप खुद जोधपुर से हैं? हाँ। तो जोधपुर से आप जयपुर जैसे शहर को आपने चुना, मतलब यहाँ इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया, क्या डिस्टेंस आपके लिए मैटर नहीं किया? आपने वहाँ या जयपुर सिर्फ स्टडीज़ के लिए आपने? यस मैम, मैं जयपुर से स्टडीज़ के लिए आई थी। एक्चुअली जोधपुर में इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं और जो स्टडी का जो आर्स हैं, लाइक उधर फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मुझे दोनों क्लियर करने थे और उधर ट्यूशन्स में दोनों के टाइमिंग्स अलग थे और मेरा मानना है कि इधर 8 आवर्स एक साथ पढ़ के और फिर घर पे सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। और उधर मॉक टेस्ट वगैरह भी नहीं लिए जाते हैं तो उससे मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती अच्छे से। कैसे आपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, कैसे पता लगा, किसी ने रिकमेंड किया था? किसी कज़िन ने भी बताया था और मैंने नेट पे भी सर्फिंग की थी जब मुझे आइडिया लगा अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। जब मैंने रैंक्स वगैरह देखी तो मुझे और होप लगी कि हाँ मेरे को अच्छा रिज़ल्ट इधर से मिल सकता है। सलोनी, आपका अपना तरीका बताइए पढ़ाई करने का, जिसकी वजह से आपने इतने अच्छे रिजल्ट्स को, मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट आपका आया, कुछ बताइए उसके बारे में। मैं मानती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग सेल्फ स्टडी होता है और मुझे इधर सेल्फ स्टडी करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिला क्योंकि कोर्स हमारा दिसंबर में कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद मैं बहुत सफिशिएंट टाइम था एग्ज़ाम्स तक कि मैं अपना कोर्स 4 से 5 बार रिवाइज़ कर लूँ। और मॉक टेस्ट हुए तो उसकी वजह से जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, एग्ज़ाम देने की जो नर्वसनेस है, जो फियर है, वो सब ख़त्म हो चुका था। मोटिवेशन किससे मिलता है जब बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का, एग्ज़ाम्स का? फर्स्ट तो मेनली शर्मा सर से ही, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता था कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, तो सर को फ़ोन करने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं अब मैं ही कर सकती, मतलब मैं कर सकती हूँ सब कुछ। और पेरेंट्स का तो राय था ही था। सलोनी, उन जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी इंटरमीडिएट की भी तैयारी करेंगे और साथ ही साथ जो सीए को एज करियर चुनना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे उन बच्चों को? श्योर रहे अगर आना चाहते हैं तो। हाँ, इसमें मेहनत बहुत लगेगी, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, स्टडीज़ की तरफ डेडिकेशन चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है या इसको अचीव नहीं कर सकते, इजी है अगर हम सिस्टम और पैटर्न से चलेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो ईजीली हम इसे क्रैक कर सकते हैं। सलोनी, जैसा कि आप बता रहे हैं आप जोधपुर से हैं और जोधपुर के को मतलब पीछे छोड़कर आप जयपुर आकर स्टडीज़ के लिए रहे और यहाँ पर आकर आपने तैयारी की, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने आसपास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो 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 दूर जाने से कतराते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट अच्छा होना क्योंकि वही हमें एक अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, जब हमारा कोचिंग ख़त्म हो जाता है तो हमको 16 आवर्स डेली पढ़ना पड़ता है जिससे कि इजीली हम इसको क्रैक कर सके। बट इंस्टीट्यूट को देखना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टीचर्स मिलने चाहिए जो हर सब्जेक्ट में आपको गाइड कर सके और शर्मा सर जैसे मेंटर होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते रहे हर टाइम। सलोनी, चलते चलते मुझे बताइए क्रेडिट अपनी सफलता का किसको देना चाहते हैं? माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर, क्योंकि मेरे ब्रदर ने बहुत, मतलब बहुत सपोर्ट किया है मुझे मेरे हर चीज़ में, लाइक मैं उस क्योंकि इतना प्रेशर होता है स्टडीज़ का कि हर टाइम फ्रस्ट्रेशन निकलता है, तो वो मेरे से छोटा होके भी इस चीज़ को समझता था और बहुत काम तरीके से मुझे हैंडल करता था।
थैंक यू सो मच सलोनी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।